हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू एक्साइटमेंट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मूवेबल जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। मूवेबल जॉइंट, मूवेबल का मतलब होता है मूव करना। दीज जॉइंट्स प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी। ये जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होती हैं जो बॉडी को एक फ्री मोमेंट प्रोवाइड करती हैं। फ्री मोमेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दी जॉइंट्स आर कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज नाम जो नेम है ये शायद आपने पहली बार सुना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसे ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो इस वर्ड को ध्यान से अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश करिएगा। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक तरह के स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी मजबूत टिश्यू होते हैं। ये करते क्या हैं? विच प्रवेंट्स द बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। रबिंग का मतलब होता है बेटा घिसना। ये क्या करते हैं? ये बोन्स के बीच में होते हैं और बोन्स जब आपस में जुड़ी होती हैं तो जब बोन्स हमारी मूव करती हैं तो बोन्स में रब यानी घिसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो उसे उस बोन्स को रब यानी घिसने से बचाते हैं ये कार्टिलेज। ठीक है, द मेन टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर। अब हमारे बॉडी में कौन कौन से मेन जॉइंट्स होते हैं पहले उसे जान लेते हैं। पहला होता है बेटा बाल एंड सॉकेट जॉइंट, देन नेक्स्ट हिंज जॉइंट, पीवर जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमारे बॉडी में फोर टाइप्स के बोन्स जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट, पीवट, हिंज एंड ग्लाइडिंग। ओके, नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को थोड़ा सा डीप में जानेंगे। ठीक है, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज द बोन्स टू मूव इजली इन अ लार्ज सर्कल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो हमारे बोन्स को मूव करने के लिए अलाउ तो करता है बट इन अ लार्ज सर्कल, मतलब एक सर्कल वे में। ठीक है, मतलब इस तरह से आप अपने बॉडी को मूव कर सकते हो। अब ये बोन, ये जॉइंट, जॉइंट्स कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई अ राउंड एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन फिटिंग इनटू अ होल और सॉकेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले वो समझते हैं। इसमें क्या होता है? एक राउंड एंड बोन्स होती है, मतलब एक बोन होती है जो जिसका जो आखिरी सिरा होता है वो बॉल की तरह होता है, मतलब आप कुछ इस तरह का। ठीक है, ये जो है इसका आखिरी सिरा हो गया जो कि बॉल के शेप में होता है। ठीक है, और ये जो बॉल होता है वो फिक्स होता है एक सॉकेट में। ये मान लीजिए एक सॉकेट है ऐसे, और यहीं पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आके आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Our shoulder is an example of ball and socket joint. अब हमारा जो shoulder होता है वहाँ पे ball and socket joint होता है। आप देखते हो कि अपने हाथों को आप एक circle way में घुमा सकते हो। अगर आप घुमाओगे तो एक circle way में आप घुमा सकते हो। ठीक है, The upper end of the arm bone has round end. आर्म का जो अपर एंड, जो ऊपरी सिरा होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है, फिटेड इन द सॉकेट, जो कि एक सॉकेट में फिक्स होता है। शोल्डर बोन में एक सॉकेट होती है जो कि वहां पे फिक्स होता है। ये पिक्चर को आप ध्यान से देखो। द हिप जॉइंट आल्सो हैज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और कहां पे होता है? और होता है हमारे हिप में। ठीक है, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह होता है, एक शोल्डर में और एक हिप में। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट इज हिंज जॉइंट। अगली जॉइंट है वो कौन सी है? हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है बेटा कब्जा। ठीक है, फील योर नी। नी मतलब अपने जो घुटने हैं उनको फील करो। हाउ इट मूव्स विल यू
वॉक और सिट्स ऑन अ चेयर। ये जब आप चलते हो या जब आप बैठते हो तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, थोड़ा उस पर गौर करो। इट मूव्स डिफरेंटली, इसका जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है, ये अलग अलग तरीके से मूव करता है। जैसे ए हिंज ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। जो हिंज ज्वाइंट होता है इसका मूवमेंट कैसा होता है, बैक मतलब आगे और पीछे, ठीक है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर, द एल्बो ऑल्सो हैज अ हिंज ज्वाइंट। अब इसका जैसे मूवमेंट कैसा होता है, जैसे एक दरवाजा होता है, दरवाजे में जो है आपके हिंज लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं, दरवाजे का मूवमेंट आपने देखा है, एक बार बाहर की तरफ होगा फिर एक बार अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही मूवमेंट होता है हमारे हाथों में। आप अपने हाथों को ऐसे मोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपके मान लीजिए हाथ है और तो इसे और यहाँ से तो इसे आप अपने ऐसे मोड़ सकते हैं, या फिर आप उसको हाथों को अपने, ठीक है ना, बस ऊपर और नीचे, ये एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यही मूवमेंट होता है हाथों का, ठीक है। आप जो है इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ सकते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट है पीवर ज्वाइंट। अच्छा एक चीज़ और, हिंज ज्वाइंट होते कहाँ पे हैं, हिंज ज्वाइंट होते हैं हमारे हाथों में और घुटनों में, ठीक है। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है वो है हमारा पीवर ज्वाइंट। पीवर ज्वाइंट क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन द नेक, ये हमारे गर्दन में होता है। इट लेट्स यू टर्न योर हेड, ये आपके हेड को टर्न का मतलब होता है घुमाने में हेल्प करता है। यू कैन मूव योर हेड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है ये होता है सर्कल और ये होता है सेमी सर्कल। आप अपने जो है गर्दन को क्या कर सकते हो, सेमी सर्कल में मूव कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मूव योर हेड इन अप एंड डाउन, और अपने हेड को ऊपर और नीचे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो पीवर ज्वाइंट अगर आपसे पूछा जाए कि पीवर ज्वाइंट कहाँ पे होता है तो आपका आंसर होगा नेक में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंज ज्वाइंट कहाँ पे होगा तो वो होगा आपके नी में और एल्बो में, और अगर आपसे पूछा जाए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है तो वो होता है शोल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ज्वाइंट है वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो ये इसे समझ लेते हैं। इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट एंकल और द वर्टीब्रे ऑफ द स्पाइन। ये ज्वाइंट्स कहाँ पे होती है, वहां पे होती है जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये बोन्स हमारे कहाँ होती है, ये होती है हमारे रिस्ट में, हमारे एंकल में, और हमारे इस जो वर्टीब्रल कॉलम होता है ना, जो इस आपने पढ़ा था बैकबोन, बैकबोन किससे बना होता है, छोटे छोटे स्मॉल वर्टीब्रे से बना होता है इस तरह से, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वर्टीब्रे होते हैं और एक पे और इससे मिला करके हमारा जो है बैकबोन बनता है, ठीक है। तो उसी वर्टीब्रे के बीच में जो है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। ऑल ज्वाइंट्स हैव लिगामेंट्स, सभी ज्वाइंट्स के पास लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द ज्वाइंट्स। लिगामेंट क्या होते हैं पहले इसे समझो। लिगामेंट जो है एक तरह के स्ट्रॉन्ग और टफ फाइबर्स होते हैं, और इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है जो बोन्स होते हैं उसको, जहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं बोन्स के, उनको आपस में एक जगह पे स्थिर रखना, उन्हें होल्ड करना, ठीक है। A ligament looks like a stretchable cord that connects one bone to another across a joint. ligament क्या होते हैं, एक stretchable होते हैं, stretchable cord की तरह होते हैं, that connects one bone, जो एक bone को दूसरे bone से जो है क्या करते हैं, joint करते हैं, जोड़े रखते हैं। ligament also protect joint by checking the movement of bones. ligament क्या करते हैं, जो bones का जो movement होता है उसको भी time time पे check करते हैं, ठीक है, और उसे protect करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी bones है, ये एक
बोन्स है और ये आपकी एक दूसरी बोन है। अब इन दो बोन्स को आपस में जकड़े रहता है लिगामेंट, मतलब यहाँ से ये छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं इधर भी और इधर भी, ये दोनों इस बोन्स को आपस में जकड़े होते हैं। अब ये बोन्स ना तो इधर मूव कर सकती है ना तो इधर मूव कर सकती है। अगर ये लिगामेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा बता सकते हो? अगर ये लिगामेंट्स नहीं होंगे तो आपके जो बोन्स का ज्वाइंट है ना, ये इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करता है, इस बोन्स को आपस में एक दूसरे से ऐसे जकड़े रहते हैं, ये ऐसे पूरा ऐसे ऐसे जकड़े होते हैं उसको, वो एक ही पॉइंट पे फिक्स किए होते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप आप आज का जो टॉपिक होगा आपको क्लियर हुआ होगा। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कुछ बच्चों को समझ में ना आई, हो सकता है मैं कुछ जल्दी समझा दिया हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है जो मैं मिस कर दिया हूँ। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप जो है आप मुझे इस बात में शेयर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप शेयर कीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।